गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 में दूसरा भाग देखेंगे धातु और अधातु में। स्टूडेंट, कल हमने धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, आज हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है, कि कहने का मतलब है जितनी धातुएं हैं उसकी तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। देखिए, फिर भी अधातुएं जो हैं हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी अभूतपूर्ण महत्व रखती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वृक्षों के लिए उपयोगी है प्रकाश संश्लेषण में। तो अधातुओं की संख्या कम होते हुए भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। स्टूडेंट, चलिए हम बुक में देखते हैं। स्टूडेंट, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी अधातु हैं। अधातुओं की परिभाषा हमने पहले वीडियो में देखी थी कि जिसकी वाहक कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हों वो क्या है स्टूडेंट, वो अधातु है। चलिए हम देखते हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव स्वरूप में होती है। इसके अलावा, ब्रोमीन के अलावा सारी धातुएं ठोस होती है या फिर गैस होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं कुछ गुणधर्म होते हैं, आइए पता करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम पता करेंगे। चलिए एक क्रियाकलाप कीजिए, कोयला ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, आयोडीन का नमूना ले लीजिए। अब इन धातुओं में क्रियाकलाप दोहराइए, 3.1, 3.3, 3.4, इन सभी को दोहराइए, ठीक है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 को दोहराइए। देखिए, लिखिए, धातुएं क्या हैं, पहले तो कठोर नहीं है। आप कोयले को देखिए, फोड़ दीजिए तुरंत फूट जाएगा। धातुओं में आघातवर्ता नहीं होती है, धातुओं में तन्यता नहीं होती है, धातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं और धातुओं को पीटने पर आवाज़ नहीं निकलती है। तो एक बार और देखिए, धातुओं की सतह चिकनी नहीं होती है, अधातुओं की सतह चिकनी नहीं होती है। इसके अलावा अधातु कठोर नहीं होते, अधातु को पीटकर पतला नहीं बनाया जा सकता, अधातु को ताना नहीं जा सकता, अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, अधातु में ध्वनि नहीं निकलती। यानी धातु क्या है, धातु में चमक होती है। देखिए स्टूडेंट, अब हम एक चीज़ देखते हैं, धातु और अधातु में अंतर। देखिए, धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से धातु कठोर होता है, अधातु कठोर नहीं होता। धातु आघातवर्ध होता है, अधातु आघातवर्ध नहीं होता। धातु तन्यता होती है, अधातु में तन्यता नहीं होती। धातु विद्युत का चालक होता है, अधातु विद्युत का चालक नहीं होता। धातु से ध्वनि निकलती है, अधातु से ध्वनि नहीं निकलती, ठीक है। तो ये है धातु और अधातु में अंतर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षण के आधार पर अपनी कक्षा में धातु और अधातुओं के समान गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं करते, क्योंकि इसमें कई अपवाद होते हैं। जैसे मर्क्यूरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रहती है। मर्क्यूरी जो है कमरे के ताप पर द्रव स्वरूप होती है, इसलिए इसका उपयोग पारे में होता है। हमने देखा धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। यदि आप अपने हथेली पर इन धातुओं रखेंगे तो पिघलने लगेंगे। यानी हमने पढ़ा धातुओं का गलनांक क्या होता है, ऊँचे होते हैं, लेकिन कुछ धातुएं अपवाद रूप में उनके गलनांक कम होते हैं। जैसे मर्क्यूरी जो है कमरे के तापमान पर किस स्वरूप में होती है, तो मर्क्यूरी कमरे के तापमान पर द्रव स्वरूप में होती है। इसके अलावा जो गैलियम है और सीजियम है, ये कमरे से उच्च ताप पर द्रव स्वरूप में होती है। यानी सभी धातुओं का जरूरी नहीं है कि गलनांक और क्वथनांक उच्च हो, कुछ धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न भी होता है। इसके अलावा आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला है। और हमने पढ़ा कि धातु चमकीले होते हैं, अधातु चमकीले नहीं होते, लेकिन अपवाद रूप में जो आयोडीन है वो क्या है, चमकीला है। इसके अलावा
कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, तो इसे हम अपरूप कहते हैं। कार्बन के अलग अलग रूप मिलते हैं जिन्हें हम अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा का कार्बन का अपरूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे का गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ऊंचा है, जबकि हमने धातु में पढ़ा गलनांक क्वथनांक कम होता है, लेकिन हीरा जो है अपवाद रूप में इसका गलनांक और क्वथनांक क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आपने देखा कि धातु विद्युत के आचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन का एक रूप है अपर रूप ग्रेफाइट जो विद्युत का चालक है, ठीक है, ये अपवाद रूप में है। इसके अलावा स्टूडेंट हम देख सकते हैं क्षारीय धातु में लिथियम सोडियम पोटेशियम, आमतौर पर धातु क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन लिथियम सोडियम और पोटेशियम क्या है, काफ़ी मुलायम धातु हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, जबकि धातु गुणधर्म क्या है, कठोर होती है, कुछ धातुएं क्या है, मुलायम होती है, इनके घनत्व गलनांक भी कम है, जबकि हमने पढ़ा था धातु घनत्व गलनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि धातु भौतिक गुण हमने पढ़ा, तो हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि पहला गुणधर्म पढ़ा कि धातुओं चमकीले होते हैं, ठीक है, और अधातु चमकीले नहीं होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा धातुओं को पीटकर पतरा बनाया जा सकता है, अधातुओं को पीटकर पतरा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, धातुओं को तान सकते हैं, अधातुओं को तान नहीं सकते, धातु विद्युत के चालक होते हैं, अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, धातु कठोर होते हैं, अधातु भंगुर होते हैं। इसके अलावा धातु को पीटने पर ध्वनि निकलती है, अधातु को पीटने पर ध्वनि नहीं निकलती है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा हमने देखा कि जरूर रही है धातुएं ठोस हो, कुछ धातुएं द्रव में होती है जैसे मर्क्यूरी। इसके अलावा धातुओं का गलनांक जरूरी नहीं ऊंचा हो, जैसे गैलियम सीजियम गलनांक बहुत कम है। इसके अलावा आयोडीन जो है अधातु है, अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन अपवाद में आयोडीन क्या है, चमकीला है। कार्बन धातु आमतौर पर कठोर नहीं होते, लेकिन हीरा क्या है, सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। आमतौर पर धातु क्या होते, अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का चालक भी है। इसके अलावा हमने देखा कि धातु कठोर होते, चूल्हे काटा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ धातुएं हैं अपवाद रूप में जिन्हें चाकू से काटा जाता है, जैसे लिथियम और सोडियम। तो ये रहा स्टूडेंट धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में हमने पढ़ लिया। हमारा वीडियो का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। हाँ।